नमस्कार। जो हमारी परंपरागत खेती रासायनिक उर्वरकों पर निर्धारित है, उस रासायनिक उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने रूस से 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरना आश्चर्यजनक है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक उर्वरक कीमतों में उछाल और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी उर्वरक खरीदने से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपने उर्वरकों की पेशकश की थी, जिसके कारण भारत ने रूसी उर्वरकों की खरीद बढ़ा दी थी। अप्रैल से सितंबर 2022 में रूस से भारत का उर्वरक आयात 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया। रूसी आपूर्ति में वृद्धि के कारण चीन, जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक स्रोतों से भारत के आयात में गिरावट आई है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में भारतीय आयात में रूस की हिस्सेदारी 6% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 24% थी। 2022-23 की पहली छमाही में भारत का कुल उर्वरक आयात एक साल पहले की तुलना में 2.4% गिरकर 10.27 मिलियन टन हो गया। हालांकि मूल्य के लिहाज से इस अवधि के दौरान आयात 59% से बढ़कर $7.4 बिलियन हो गया। भारत, जो यूरिया का एक प्रमुख आयातक है, 2024 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है और भारत ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है। आपको जानकारी होना चाहिए कि रूस और बेलारूस दुनिया में उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक हैं। पिछले साल पोटास के वैश्विक निर्यात में दोनों का हिस्सा 40% से अधिक था। रूस अमोनिया के वैश्विक निर्यात का लगभग 22%, विश्व के यूरिया निर्यात का 14% और मोनो अमोनियम फास्फेट MAP निर्यात का लगभग 14% है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण विश्व बाजार में उर्वरकों की आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे इसकी बाजार में कमी और कीमतों में वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार अगले 3 सालों में 3,70,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। PM प्रणाम योजना का उद्देश्य यह है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है। PM प्रणाम योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बयान देते हुए कहा था कि जो राज्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करेंगे, केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सहायता दी जाएगी। सरकार की कोशिश इस योजना के जरिए नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जैविक खेती से मिलने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी सरकार की ओर से जोर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए खेती में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के कम इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।